नीड टू इंटेग्रेट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इन द स्कूल करिकुलम वी हैव एस्टेब्लिश द फैक्ट दट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दे आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट दैट नीड टू बी एम्बेडेड इन द स्कूल करिकुलम हम जब स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी करिकुलम का हिस्सा होती हैं फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक होप परसिवियरेंस problem-based learning, these are various aspects which are already present in the curriculum. What needs to be done is to give it a separate focus. हम ये बात बहुत बार कर चुके हैं कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के जो एस्पेक्ट हैं वो करिकुलम में ऑलरेडी मौजूद होते हैं बात सिर्फ ये है कि आपने उनको एक फोकस देना है आपने उनको इम्बेट करना है और इस इसको इम्बेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ प्रोफेशनल डिवेलपमेंट ऑफ टीचर्स जो है उसका बहुत अहम किरदार है टीचर्स जो हैं उनका ये चाहिए उनको ये चाहिए कि इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली लेसन प्लान में इंटेग्रेट करें हम जब होप की बात करते हैं ऑप्टमिज़म की बात करते हैं तो हो सकता है कि ऐसे टेक्ट्स मौजूद हों जो इन मौजूद के ऊपर तफसीली बात कर रहे हों तो उसको एक्डेमिक फोकस देना और सोशल इमोशनल फोकस देना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन उसके लिए एक महारत चाहिए उसके लिए टीचर्स को सोशल इमोशनल लर्निंग में उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो जरूरी है अगर वो होगी तो वो एक इंटेंशनल प्रेपरेशन कर पाएंगे लेकिन अगर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस एस्पेक्ट में नहीं है तो वहां पर उसकी इंटेग्रेशन उनके लिए करना मुश्किल काम है Suppose there is a character in a text who is very optimistic about things. So, optimism is a very positive trait to develop, which actually builds self efficacy of students. So, when the academic targets are met, when grammar, vocabulary, and question answers and other aspects of reading and writing are done, then this concept can be highlighted from a social emotional angle. इस बारे में बात हो सकती है और इस पर फिर क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकती है कि ऑप्टिमिस्टिक जो है थॉट्स व्हाट डू दे लीड टू और वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसके ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स से जो प्लॉट और स्टोरी डेवलपमेंट है उस पर क्या असर हुआ तो इट एक्चुअली नीड्स टू बी गिवन अ सेपरेट फोकस दैट इंटेंशनल फोकस Is absolutely necessary, and usse, the students say reflective process. Students begin to reflect on these issues, and when they reflect, they build their self-efficacy because then the potential, if the potential is there, that potential starts getting polished, and that is something which is important for student development. We need to bring about these things in students because if we don't.

और उसके साथ साथ जो चीज जरूरी है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है और टीचर्स जो हैं वो पैशनेटली जो है इन इन ट्रेड्स के ऊपर काम करें दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट सो अनलेस अ टीचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स विल नेवर बी एबल टू गेट दीज थिंग्स राइट दे विल बाईपास दीज इशूज सो इन ऑर्डर टू हाईलाइट दीज इशूज दे नीड टू बी इंटीग्रेटेड वेल इन द लेसन प्लान दे नीड टू बी फोकस्ड अपॉन एंड देन प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर्स आर इम्पॉर्टेंट सो इफ वी आर टीचिंग अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन द क्लास रूम दैट एट्रीब्यूट नीड टू बी हाईलाइटेड थ्रू प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ दर्सनैलिटी सिस्टम लेटर ऑन ये बहुत जरूरी अमल है और इसमें टीचर का किरदार बहुत अहम है A teacher is the one who actually guides and supports the student towards the development of social and emotional skills.